गुजरात के जामनगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये बीजेपी के तीन बड़ी महिला नेता आपस में भिड़ गईं। रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर नॉर्थ से विधायक रिबावा जडेजा की पहले मेयर बनी कोठारी से तू तू मैं हो गई। जब स्थानीय सांसद पूनम माडव बीच बचाव करने आई तो रिबावा उन पर भी भड़क गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रिबावा जडेजा और जामनगर मेयर बीना कोठारी की किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद बीना ने रिबावा से कहा औकात में रहना, ज्यादा स्मार्ट ना बने। इसके बाद रिबावा को भी गुस्सा आ गया, वह भड़क गई। इस झगड़े को देखते हुए जब सांसद पूनम माडव बीच बचाव करने आई तो रिबावा ने उन्हें भी सुना दिया और कहा कि ये बवाल उनकी वजह से ही हो रहा है। बीजेपी के तीनों नेताओं के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में तीनों महिला नेता आपस में कैसे भिड़ गई। बताया जा रहा है कि जामनगर शहर में एक कार्यक्रम के दौरान झगड़ा हुआ। आप ही हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सुलगाया है और अब आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सार्वजनिक स्थान पर मेरे लिए स्मार्ट, ओवर स्मार्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इस पूरे विवाद के बाद रिबावा ने बताया कि हमारे भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए निगम द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम 9 बजे शुरू होना था, पूनम मैडम 10:30 बजे पहुंची। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने चप्पल पहन रखी थी। जब मेरी बारी आई मैंने अपने जूते उतार दिए क्योंकि हमारे सैनिकों का सम्मान इसी तरह किया जाना चाहिए। रिबावा के मुताबिक जब मैं अपने जूते उतार रही थी तब उन्होंने मुझ पर बयान देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी ऐसा कार्यक्रम में आने पर अपने जूते चप्पल नहीं उतारते, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सांसद के इस बयान से मुझे गुस्सा आ गया। जब आत्मसम्मान की हो तो मैं अपने बारे में ऐसा बयान नहीं सुन सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।